करो मेहरबानी तो महरे ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पे। काबिले कदर और लायके तहसीन हैं वो लोग जो दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा हैं। KIRF कम्युनिटी हस्पताल जातला अवाम इलाका के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बिलखसूस गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए जिनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। इसी अस्पताल में 7 दिनों में 24 घंटे देही इलाका में मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही। सर ये है, हमारे पास टावर होता है जिसमें लाइट सोर्स अलग होता है, ये अलग होता है, वो सारी चीज़ें अलग होती है, वो कैरी करना और सब का स्टोर का जर्मन ये इसका कैमरा है, ये इसका लाइट सोर्स है जो इसके अंदर से अंदर, और डिफरेंट एंडोस्कोप है, जैसे ये 2.7 mm है, ये पीड्स में भी यूज़ होती है और ईयर के जितने सर्जरीज हैं उसमें यूज़ होती है। ठीक है सर, ये 4 mm है, ये हमारी नोज में और ओरल कैविटी के जितने होते हैं उसमें होती है। ठीक है सर, और उसके बाद है ये फ्लेक्सिबल, अगर ब्रोंकोस्कोप जिसमें एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप इसी के साथ आगे करते हैं, इसका यही है कि कैमरा यही यूज होगा और आगे से ये फ्लेक्सिबल के साथ हम हमने इसको फेबोस्कोपी करनी है, ब्रोंकोस्कोपी करनी है, ट्रेकोस्कोपी करनी है, अगर गैस्ट्रोस्कोपी करनी है तो इसी के साथ होगी। सिर्फ एक चीज़ हमें आप इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने उसका किया हुआ है, इसको नेक्स्ट जो करना है, अगर कोई बायोप्सी लेनी है, कोई सर्जरी मरीज करनी है, उसके लिए चीज़ें जो हमने नेक्स्ट इसके साथ अटैच कर, बाकी सारा कम्प्लीट है। ये कैमरा लाइट सोर्स है मेरे तो यही है, ठीक है ना, इसके आगे गायनी के, न्यूरोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट जो ऐड करना से लेनी है, बिल्कुल वो इसी के उसके लिए तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए। नहीं सर, हम तो सर ये टीम में करते हैं ना, रात को भी एक पेशेंट एडमिट किए थे फेगोस्कोपी के लिए, हमने उसका वो निकाले थे, बोन तो नीचे बिल्कुल स्टमक में थी, वहाँ से निकाली है। अच्छा चले, वो तो फॉरेन बॉडी सर, बिल्कुल फॉरेन बॉडी शेडीज फॉरेन बॉडीज करेंगे, बिल्कुल सारी हाँ जी हाँ। सर वैसे तो जातना इधर ही क्यों, या वो वहीं पे होते तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन अगर जो फॉरेन बॉडी जिसमें एयर चल रही है वो हमें 15 से 20 मिनट आगे लगे तो सर। दूसरा यहाँ पे ये फायदा भी है कि स्टोर अंदर ही है साथ ही, ओटी है, अगर कोई पेशेंट आ गया उठ के भाग के जाके ले आएगा, जैसे DHQ में अगर ओटी में पेशेंट आ गया उसके अटेंडमेंट का विद इन एक्सेस हर चीज़। गुड लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अभी यही बैठ के इनके साथ तय करना है एमरजेंसी कैसे करनी है, थोड़े बहुत चार्जेस जो है। रहीम, आज KIRF में एक और संग मील की मैं समझता हूँ कि पहुँच गए हैं, एक माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया है कि आज मुझसे इन्होंने एंडोस्कोपी का इफ्ताह करवाया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कुतूज़ अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक इंटरवेंशन जो कि मैं समझता हूँ कि डिवीन टीचिंग हॉस्पिटल या टर्शरी केयर लेवल पर प्रोवाइड हो सकती है, वो इस दूर दराज इलाके में जहाँ पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट है और KIRF का हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो मैं तमाम डोनर्स को, तमाम KIRF के इंतज़ामिया को और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर सदाकत साहब का कि जो SCPS हैं और एक क्वालिफाइड बंदे हैं और उन्होंने अपना टाइम दिया और यहाँ पे ना सिर्फ वो एलेक्टिव केसेस करेंगे बल्कि उनकी मैं मोटिवेशन देख के आज हैरान भी हुआ और उन्हें शाबाश भी दी कि वो एमरजेंसी करने के लिए भी तैयार हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जितनी भी KIRF की इंतज़ामिया है और आम नास जितने भी हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज इंतहाई खुशी हुई है देखकर के KIRF हॉस्पिटल जातलां जो कि एक NGO की तावन से ये दारा फंक्शनल है, यहाँ पहले भी आने का इतफाक़ हुआ, आज यहाँ एक नए काम का आगाज़ हुआ है और काम ये है कि एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी सहूलतें हैं जिनसे हमारा ये इलाका अरसा दराज से महरूम था। तो ये चीज़ें यहाँ फ्राहम करके खुसूसन ये KIRF के जो डोनर्स हैं उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया है
और डॉक्टर सदाकत साहब जो कि डॉक्टर अब्दुल कदूस साहब की हमारे जो मेहरबान और मोहतरम उस्ताद हैं उनकी ज़ेर निगरानी ये काम शुरू किया है। तो ये इंतहाई खुश आइंदा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी डोनर्स और तमाम लोग जो इस अदारे की मावनत कर रहे हैं वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और अवामी इलाका से भी ये अपील है कि वो इन सहूलियात से हसब ज़रूरत ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया।